क्योंकि ये जी चुके हैं, इनके लिए अभी भी देखना आसान नहीं है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि इस फिल्म से वो सिर्फ यही याद रखेंगी कि ये उनकी जीत है, ये हमारा पूरा सफ़र, उनका पूरा सफ़र, हमारे हाथ में जो ये पूंजी है छपाक के नाम की, ये लक्ष्मी की जीत है, वो याद रखना ज़रूरी है। एसिड वायलेंस जैसे विषय पर एक फिल्म बनी है, उसमें गाने होना इमेजिन करना बहुत मुश्किल था, पर गाने हैं, रोमांस है, लव सॉन्ग है, और ये जो गाना है, ये जैसे दीपिका ने कहा, ये हमारी फिल्म का सोल है, रूह है हमारी फिल्म की। और आसान नहीं है कि इस तरह की फिल्म में कैसा म्यूज़िक दें, ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकते, ज़्यादा उदास भी नहीं हो सकते, एक बहुत ही महीन बैलेंस कायम रखना ज़रूरी होता है। लव्स के तौर पे क्या लिखें जब आप एसिड अटैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे मुश्किल काम मैंने सौंपे शंकर एहसान लॉय। एहसान आज यहाँ नहीं है, एहसान वी मिस यू वेरी मच, और उन्हें जिनके लव्स इस गाने में हैं, तो मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। शंकर लॉय प्लीज़, एंड इन्हें भी बुलाना चाहूँगी, पापा। एंड लास्टली I would also want to call on Sage, Vijay Singh of Foxstar Studios, who has supported Chapak. Foxstar Studios has supported Chapak wholeheartedly, single-mindedly. Vijay, if I could ask you to start with a few words, please. Friends in the media, firstly, I want to begin by thanking you. Pichle 3-4 hafton mein aapne humko itna support diya hai. And truly from the center of hearts, from this entire team, thank you for that. The second thing I want to say is that, you know, a lot of us have been working for some time, and I think it's a real privilege. And I honestly believe, aaj subah maine Deepika aur Meghna ko message kiya ki, I think, you know, we are blessed, because films like these, you can't put them together. They come together because of the right energy, the right people, and because the story needs to be told. And I think this is one of that rare gem that has come together in that way. The second is, I am truly blessed. Main aapko itna bata dun ki, because it's a song launch, ki Gulzar sahab ke saath ek bari kaam karna bhi, you know, sabki wish list pe hai. I think I am blessed. I have worked with Gulzar sahab on multiple times, and this is such a special relationship. And thank you so much. Shankar. मैं यहाँ एक तो इन तीन लड़कियों का मद्दा हो गया, बहुत बड़ा एडमायर करने की जरूरत है। इन तीन लड़कियों ने बड़े कमाल किया है, क्योंकि ये सिर्फ अकेली एक फिल्म नज़र नहीं आ रही है, ये पूरी की पूरी एक, उर्दू में कहते हैं तहरीक है, अंग्रेज़ी में कहते हैं मूवमेंट, इट्स अ मूवमेंट इन द सोसाइटी। और इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जो तीन प्रोड्यूसरों के नाम लिखे हैं, ये तीनों भी कमाल हैं, जिसमें मैं विजय जी शामिल हैं, और गोविंद इस वक्त नहीं है हमारे साथ, एहसान नहीं है, लेकिन एक और प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं, जिसने इन तीनों की बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने ये इरादा किया कि नहीं, ये बात कहनी है, ये सिर्फ खेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये कोई बात है जो उन्हें कहनी है, जन समाज को कहनी है, लोगों से कहनी है, और पहुंचानी है ये बात वहाँ तक।
इन तीनों की बड़ी हिम्मत है इसमें, और परफॉर्मर्स आप जानते हैं, एंड लक्ष्मी जहाँ से कि ये रोशनी उगी, ये पैदा हुई, और शुक्र है कि बड़े अच्छे लफ्ज़ों में कहा मेघना ने अभी कि इसमें कहाँ गुंजाइश थी म्यूज़िक की या गाने की, नहीं ये 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 म्यूज़िक ज़िंदगी का म्यूज़िक है जो बहुत ज़्यादा अहम है, उस म्यूज़िक से उस संगीत को जो आप रोज़ सुनते हैं, ज़िंदगी का संगीत है, इट हैज़ टू विन फाइनली, ये यहीं पे आके विक्ट्री है, एंड थैंक्स टू लक्ष्मी वंस अगेन फॉर दैट, कि ये उसकी मुस्कुराहट से पैदा हुई है ये रोशनी, और चली आई है, समाज तक गई है, जो बहुत ही ज़रूरी है, बस इतनी सी ही बात है जो मेरा ख्याल है बहुत खूबी से कही है, और शंकर एहसान एंड लॉय, इन लोगों ने तो रिदम दे दिया ज़िंदगी को, उसी ज़िंदगी को जो हमें एक जगह लगा कि सुकड़ गई या बंद हो गई या मुट्ठी में हो गई या जो छपाक से जला दी किसी ने, उसको एक तहरीक बना दिया, एक मूवमेंट बना दी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, प्लीज। यू नो नॉर्मली वी डू म्यूजिक फॉर सो मेनी फिल्म्स, बट फिल्म्स लाइक दिस व्हेन दे कम टू यू, यू रियली लुक अप एंड यू थैंक गॉड that you know doing one film like this is equivalent to doing 20 films. The effect, the kind of impact that it has on everybody, and you know, to use music as a tool to communicate the message. See, this film is it's not about box office, it's not about commercial success, it's not about, it's way above all these things. So, you know, just me, Ehsan and Loy, Gulzar Saab, being associated with this amazing team, really thank you so much. This is just when we look back at the end of our career, we will, you know, we will see that this is one, you know, gemstone, Kohinoor, which is there in our lives that we were part of. So, you know, really thank you, Meghna, for making this happen. Can't say anything more, really. You don't say anything more, Shankar, you sing now. Okay. I would really request Shankar to sing a few lines of our song, please. Yeah, you know, when you're asked to do the title song for a film like this, it's a very delicate situation, sitting with Gulzar Saab, and you know, whether you have to do something that is so surreal that people don't understand anything, or if you do something very, very superficial, then it just doesn't, you know, reach out to the cause. So you have to maintain a very, very thin line and try to come out with something, koshish kiya humne, and just being with the master in the same room, that itself is the biggest blessing for us. And what can I say about Deepika? She is the vehicle of this cause. She's taken this cause and she's reached out to crores and crores of people which otherwise wouldn't have possibly. It's only because of Deepika that it's reaching out to crores and crores of people. So thank you, Deepika. Thank you so much. Thank you. So just 3-4 lines of the song.
Thank you. Loy, can I request you to say a few words, please? You know, Lakshmi is the trigger, and you can see synchronicity at work out here, because this is the beginning of the wave, and I hope it does and achieves what it's supposed to do. That's all. Thank you so much. I'll now open it up to questions, but I won't be mediating this because I don't know how to do it. Hello. A very, very good afternoon, everyone. सबसे पहले मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ आने के लिए. थैंक यू सो मच. और आज हम सब यहाँ मिले हैं, क्यों मिले हैं मोस्टली तो हम सब जानते हैं, लेकिन जस्ट टू शेयर दिस विथ यू कि हम यहाँ मिले हैं छपाक के सॉन्ग लॉन्च के लिए, लेकिन साथ ही साथ छपाक के बारे में कुछ बात करने के लिए. जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये फिल्म हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, एंड नॉट जस्ट फॉर अस बट ऑल्सो फॉर द टाइम्स वी लिव इन. आई पर्सनली फील दिस. This is a very important film for everyone who's been a part of this film. And finally, slowly and steadily, we are a week away, this entire journey of 1 year is coming to fruition. So it's a very special day for us. But today, छपाक के साथ साथ, we would also want to talk about the song that we will be sharing with the world today. This is a very special song for me and for everyone, I'm sure, who's been associated with the film. This song is the soul of this film. This song sort of culminates the journey, the story of trauma, the eventual triumph, and everything. Aur ise likha hai the legendary Gulzar sahab ne. म्यूज़िक दिया है शंकर एहसान और लॉय साहब ने, एंड आवाज़ दी है अरिजीत जी ने. विदाउट फर्दर अडू आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज द थ्री विमेन टू टेक द कॉन्वर्जेशन फर्दर, जिनके बिना ये फिल्म पॉसिबल नहीं हो पाती. सो प्लीज़ विद अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज़ वेलकम द थ्री विमेन हु मेड छपाक पॉसिबल. मेघना गुलजार जी, दीपिका पाडुकोण जी एंड लक्ष्मी अग्रवाल जी, प्लीज. Good afternoon. Okay. Ji sir. Good afternoon, everybody, and thank you so much for joining us this very special afternoon. Special इसलिए क्योंकि ये गाना जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो इस कहानी का जो आई थिंक इट्स द थ्रेड ऑफ द फिल्म, इट्स द सोल ऑफ द फिल्म, एंड इट रियली बाइंड्स द एंटायर नैरेटिव. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सो वी कैन नॉट वेट टू शेयर दिस सॉन्ग विथ ऑल ऑफ यू. बट मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि मेरी दोस्त
लक्ष्मी अग्रवाल हमारे साथ हैं आज और फाइनली आई थिंक द मीडिया वॉज वेरी वेरी क्यूरियस. पहले दिन जब हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किया तो बहुत लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है, तो यहाँ क्यों नहीं है, लक्ष्मी क्यों नहीं है, करेक्ट, वी हैव अ प्लान फॉर हर. तो फाइनली लक्ष्मी इज विथ अस. लक्ष्मी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू कि आपने हमको मौका दिया ये कहानी दिखाने के लिए, बताने के लिए. बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है एंड थैंक यू कि आपने दिल से किया. नॉट वंस डिड यू डाउट अस, नॉट वंस डिड यू क्वेश्चन अस, और आपने जो भी किया है आपने बहुत दिल से किया है. एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ द मूवी दैट वी हैव मेड एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू योर इनक्रेडिबल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी. तो अब मैं चाहूँगी कि लक्ष्मी कुछ कहें. थैंक यू दीपिका. टाइम तो वैसे 12:30 हुआ है पर मैं हमेशा कहती हूँ गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा. मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेघना मैम से 2016 में मिली थी और मेघना मैम ने बोला कि लक्ष्मी हम इस कॉज पे काम करना चाहते हैं साथ में, क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले कोई भी एसिड अटैक वायलेंस को नहीं जानता था उस तरीके से, लेकिन जब खुद सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई और अपनी स्टोरी को रखना शुरू किया तो वो हर कानों में वो आवाज़ गई, और जब वो आवाज़ गई तो आज वो एक फिल्म के रूप में बाहर आई. दूसरा ये भी कि सोसाइटी को ये फिल्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी. और थैंक यू दीपिका जो आपने लक्ष्मी का रोल प्ले किया, और मुझे बहुत खुशी है कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है आज आपने दिखा दिया कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, इस कॉज को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था, और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर विक्टिमाइज होती है और जो सोसाइटी के दिमाग में जो तेजाब है, ये फिल्म के थ्रू लोगों के दिमाग से तेजाब निकलेगा. तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग साथ में हैं और इस कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग विक्टिमाइज होते हैं उनको एक्चुअल में फाइटर के रूप में बाहर लेके आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच, और आप सब लोग भी ज़रूर जाइएगा मूवी देखने, और आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. तो जब आप मूवी में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होती है लाइफ में प्रॉब्लम्स. थैंक यू. ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी. इस फिल्म में ज़िम्मेदारी है और भरोसा है, और दोनों को निभाना बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए. जैसे विक्रांत ने कहा कि एक साल से हम इस फिल्म पे काम कर रहे हैं, ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही प्रेशस रहा है. 8 दिन बाकी हैं, इसके बाद हम हमारी मेहनत आपके सामने सौंपेंगे. उस मेहनत का एक हिस्सा आज आपको दिखाएंगे, जो हमारा टाइटल ट्रैक है जिसका नाम है छपाक. उसको कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय ने, लिरिक्स लिखे हैं गुलजार साहब ने, और उसे गाया है अरिजीत सिंह ने. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल प्रेजेंट आवर टाइटल सॉन्ग टू यू. थैंक यू.